एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में अब सिर्फ 3 महीने का समय रह गया है। फेब के एंड में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जहां तक है आपकी सारी तैयारी हो ही चुकी होगी, लेकिन अगर आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है तो उसके लिए अब आपके पास हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। तो आइए भर्तीपुर.in के मिनी ब्लॉग से हम जानते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी स्मार्ट वर्क और प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। तो भर्तीपुर.in पे हाउ टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल इन जस्ट 3 मंथ्स। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है बहुत लोग का कि इज़ दिस एग्ज़ाम ईजी टू क्रैक, क्या ये एग्ज़ाम ईजिली क्रैक करा जा सकता है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम ना ही बहुत ज़्यादा ईजी है ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसको आप अच्छी और स्मार्ट तरीके के प्रिपरेशन के साथ बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। CHSL हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें LDC और DEO जैसी कई अन्य पोस्ट के लिए 12th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम 3 टीयर में कंडक्ट कराया जाता है। टीयर 1 CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 MCQs आपको मिलते हैं। उसके बाद टीयर 2 का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर होता है, डिस्क्रिप्टिव। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। फिर टीयर 3 आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों होते हैं। उसके बाद आप एग्ज़ाम पैटर्न पे आ जाते हैं। तो टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 100 MCQs मिलते हैं, जो जिसका टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स का मिलता है, यानी कि 60 मिनट्स के अंदर आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है। टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ऑफलाइन मोड, उसमें एसे एंड लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग आती है, जिसको आप इंग्लिश या हिंदी मोड में दे सकते हैं। इसका भी टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद टीयर 3 का एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरीके में होता है। इंग्लिश मीडियम में आपको पर 1 मिनट में 35 वर्ड्स टाइप करने होते हैं, और हिंदी मीडियम वालों के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए ही कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद CHSL की क्रैक टिप्स पे आ जाते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि आप स्मार्टली कैसे कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। पॉइंट 1 है फोकस ऑन ईच सेक्शन, यानी कि आपको हर टॉपिक को बराबर मात्रा में टाइम देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है, फिर उसको आप उस हिसाब से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिससे आप इंग्लिश का सेक्शन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। उसके अलावा आपको स्पेलिंग टेस्ट भी अपने आप को कंडक्ट कराने पड़ेंगे, जिससे आपको इवैल्यूएशन आप कर पाएंगे कि मेरी तैयारी किस लेवल तक हो गई है और उसमें क्या कमियां रह गई हैं। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस के लिए हर एक टॉपिक, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन सब की इम्पॉर्टेंट इवेंट्स विद देयर डेट्स आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि MCQs में ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स ही जनरल अवेयरनेस का कोर पार्ट होता है, तो वो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट पे आ जाते हैं। मॉक टेस्ट आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होता है, यानी कि जो बिल्कुल भी एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे ही बेस्ड होता है, उसको आप देते हैं। उससे आपको पता चलता है कि क्या आप 1 घंटे में उस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पा रहे हैं, या क्या आपकी तैयारी पूरी है, आपने कितने आंसर्स का करेक्ट आंसर दिया, कितने रॉन्ग थे, फिर आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं, कितना टाइम और देते हैं, वो सब चीज़ें मॉक टेस्ट से आपको हेल्प मिलती है। उसके बाद नो योर वीक पॉइंट्स, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि कौन से सेक्शन में आप वीक पड़ गए और कौन से सेक्शन में आपकी पकड़ अच्छी है, फिर आप वीक सेक्शंस को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बाकी जैसे आपने इंग्लिश सब्जेक्ट को अगर 1 दिन में 4 घंटे दिए हैं, तो आप अपने वीक पॉइंट को 1 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। उसके बाद चूज़ गुड स्टडी मटेरियल, ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, या वो खुद के नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन उनको दूसरे बुक्स की हेल्प ज़रूर चाहिए रहती है, और वो अच्छी से अच्छी बुक्स को ही सर्च करते हैं, जिससे उनकी एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस बढ़ें। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एग्ज़ाम कार्ड की 2 बुक्स आपको रिकमेंड करी है, आप वेबसाइट पे विज़िट करके इन बुक्स के बारे में देख सकते हैं। इनका PDF भी वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप PDF पे भी क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये बुक आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। और फिर रैपिड सीरीज़ की यहाँ पर सीरीज़ दी हुई है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ये 6 बुक्स का कॉम्बो है,
ये 6 बुक्स का कॉम्बो है। इसमें आपको राजव्यवस्था, विज्ञान, इतिहास जैसे सारे सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स मिल जाएंगी। और इसका भी आप यहाँ पे विजिट करके आप पीडीएफ चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राजव्यवस्था की बुक देख लेते हैं, तो ये आपके सारे ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ऑलमोस्ट जो भी बेसिक एग्ज़ाम्स है सबके लिए यूज़फुल है। आप सैम्पल पीडीएफ पे जाइए, आप पीडीएफ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी कि इस बुक्स में आपको क्या क्या मिलेगा कंटेंट। उसके बाद इसका राजव्यवस्था के हर एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक्स के डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगी, तो आप उसको पीडीएफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ईजी है या डिफ़िकल्ट। जैसे कि ये चैप्टर 1 यहाँ दिया हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें देखिए सारे ही इवेंट्स के बारे में पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन दिया है और ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत ही ईजिली इस टॉपिक को समझ सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपने ब्लॉग पे। यहाँ पे कॉम्बो और सेपरेट बुक सबके लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, आप इस पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है नो द फॉर्मेट। फॉर टीयर 2 एग्जाम्स लेटर और एस्से राइटिंग आती है। लेटर का आपको पता होगा एक फिक्स फॉर्मेट होता है, अगर उस फॉर्मेट में मिस्टेक होती है तो आपके नंबर कटते हैं। तो आपको वो चीज़ एकदम पता होनी चाहिए कि इस समय लेटर राइटिंग में लेटेस्ट फॉर्मेट क्या चल रहा है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों के बारे में, और उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको ये एग्ज़ाम देना होता है और एल्स आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस टाइपिंग रेगुलरली। अब टाइपिंग टेस्ट जो कि आपका टीयर 3 में होता है 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में और 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, तो इसके लिए आपको टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे। आपको हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि अब हर एक बुक को अलग अलग लगाने से और जीएस एकदम डिटेल में पढ़ने का टाइम आपके पास है नहीं। 3 महीने में ज़्यादातर आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको न्यूज़पेपर की हेल्प से मिलती है, तो न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ें एकदम डिटेल में, डेप्थ में जाके, तो आपको लेटेस्ट इवेंट्स की सारी जानकारी रहेगी, तो आप बहुत ईजिली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ FAQs दिए हुए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपके बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया है कि इन पॉइंट्स की हेल्प से आप हार्ड वर्क छोड़ के स्मार्ट वर्क वाले तरीके को अपनाएं ताकि आप कम समय में अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे और परफेक्ट तरीके से कर लें। एंड और भी कोई क्वेरीज हो या किसी और एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप bhartipur.in पे विज़िट करिए, आपको सारे एग्ज़ाम्स के बारे में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स सबकी जानकारी आपको bhartipur.in पे मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।